रंग, नाच गाना, एक्शन ड्रामा सब होगा, वो भी बॉलीवुड स्टार्स के साथ, क्योंकि आज है हमारा बॉलीवुड स्पेशल। लेकिन एक्टर से पहले आते हैं मेकर्स, सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू लाफ्टर की सबसे बड़ी फाइनेंसर पुरंस की अर्चना पुरंस सिंह, कॉमेडी के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर सुमंस के शेखर सुमन, और बॉक्स ऑफिस की चहीते डायरेक्टर शेटीज के रोहित शाजे। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी के सबसे बड़े गुरुकुल के तीन स्तंभ है पागलपंती, शानपत्ती और बेइज्जती, और इन तीनों बातों की ट्रेनिंग दी जाती है एक स्पेशल जिम में, जिसके ट्रेनर है शकील। प्लीज वेलकम सीजन वन के पुरंस स्वप्निल शकील एंड वीआईपी एस वेरियस आर्टिस्ट। अरे बंद करो मनुज, मारो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा सत्यानाश जाए, ये क्या कर दिया? मेरी एंट्री में विवेक ओबेरॉय का गाना चला दिया। अबे 10-10 नंबर वाला एक्ट सात सात का तो यही हो गया। क्या बताऊं आप सबको, मैं आज अपने जिम के नए ब्रांच की ओपनिंग के लिए आया हूं। शेखर जी खुदा कसम, मैंने सोचा था कि ओपनिंग आपसे कराऊंगा, फिर मैंने सोचा कि ओपनिंग सिर्फ जिम की करानी है तो आपको क्या तकलीफ देना। इसलिए मैंने जिम की ओपनिंग के लिए मशहूर कलाकार दारा सिंह जी को बुलाया, बस आते ही होंगे। आ गए। भाई छोटू कैसा लगा मेरा डांस? अल्लाह माफ करे, डांस तो मैंने किया, माफी तू क्यों मांग रहा है? अरे मैं तुम्हारी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ मनुष। ओहो, गलती से मुझे याद आ गया, भाई विंदु कैसा चल रहा है आजकल? भाई वो पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा फेमस हो गया है अब। क्यों भाई, दो चार दांत और निकल आ गए उसके? चाहे काम क्यों नहीं करते, किसी अच्छे से इंटीरियर वाले को बुला के उसके दांत अंदर क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्छा मैंने सुना है एक नए शो में बिंदु को जज करने के लिए बच्चे रखे हुए हैं। गलत सुना है, बच्चों को जज करने के लिए बिंदु को रखा है। ओहो हो, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली भाई, बिंदु जज बन गया। ओहो हो, पैसा वैसा? पर एपिसोड 10,000 दे रहा है। खुदा कसम देख लो मनुज, मारो या जज बनने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट जरा सी लेट हो जाती है, तुम बुरा मान जाते हो। बता उद्घाटन के लिए तूने कब बुलाया है, क्या करना है, कब करना है उद्घाटन? ओ, ओ, किस बात की जल्दी है यार, फीता ही तो काटना, ले काट ले। काटना है, मैं तो इसे फाड़ दूंगा। मैं तेरा बेड़ा गरक जाए, अबे उद्घाटन करना, उसकी इज्जत थोड़ी लूटनी है। मुझे गुस्सा बड़ा जोर से आ रहा है। अबे तो घर से करके क्यों नहीं आता है? एक बात बता, तू एक्टिंग के बारे में क्या जानता है? मैं एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा मैं तुझे सिखाता हूँ। हाँ बताओ। एक्टिंग में दो चीजें जरूरी होती है। हाँ जी। एक क्या होती है बता? एक तो सबको अच्छी तरह से अर्दू आनी चाहिए। तेरा बेड़ा गरक हो, तेरा सत्यानाश जा भाई, ये वर्ड तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अगर आपको अर्दू स्पष्ट नहीं आती है तो आप बड़े स्टार नहीं बन सकते हो। खुदा कसम अब मेरी समझ में आ गया कि आज तक ये बड़ा स्टार क्यों नहीं बनाया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बाहर धर्मेंद्र खड़ा है, वो भी यही कह रहा, जा उसके साथ मिल ले जा। आहो। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में दो ही चीजें बनाई, एक अपनी बॉडी, एक बिंदु। और इस उम्र में ना बॉडी काम आ रही है ना बिंदु। ये दिल ना होता बेचारा, कसम ना होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता होता। कोई है, कोई है? अबे खुदा कसम एक बार सामने तो देख ले, तब तो पता चलेगा कि कोई है। आते ही पूरा जिम घूम लिया मनुष, एक वो कोना बचा, लगे हाथ घूम ले वहां भी। लगे हाथ घूम लू या घूम के उसे हाथ लगा दू? तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जा, खबरदार जो उसे हाथ लगाया। ये गरीबी में मेरे बड़े काम आई है, इसने नाच नाच के मेरे कर्जे उतारे नाच। अरे तू यहाँ क्या लेने आया? मैं यहाँ पे जिम ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, जिम ज्वाइन करने के लिए। एक मिनट रुक जा यार,
ये क्या कर रहे हो? अबे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सज्जनाश जा। अबे तू जिम ज्वाइन करना चाहता है? मैं जिम से तो पूछ लूं कि वो तुझे ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं। मुझे जिम करना है। कहाँ है ट्रेडमिल? कहाँ है, कहाँ है ट्रेडमिल? कहाँ है? यार इतना हिलता है, ऐसे कहाँ से दिखेगी ट्रेडमिल? अबे मनुष्य यहाँ तो पड़ी ट्रेडमिल, ले कर ले। ओके लेकर ट्रेडमिल, अभी मजा जगा लो इसे। रोको रोको कोई इसे रोको, रोको कोई इसे रोको। पिछले 50 साल से ऑडियंस भी कह रही है कि कोई इसे रोको, इसे फिल्में मत बनाने दो। अब ये नहीं रुकने वाली मनु, सब तो घर जाके रुकेगी। चल भाग भाग। अजीब आदमी है यार, कितना हिलता है ये आदमी। खुदा कसम एक बार ये बस में खड़ा था और हिल रहा था, कंडक्टर ने आके बोला चाचा बाद में हिलना, पहले बस को स्टार्ट तो होने दो। शाम तो कहना कि छेनो आया था। अरे लवली, अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जा। अभी शाम आके गया, वो भी यही कह के गया कि शेनू आए तो कहना शाम आया था। अबे तुम दोनों एक टाइम पे क्यों नहीं आते हो? मनुष्य मारो। अबे मेरे घास के तिनके, मेरे अर्थी के फूल, अबे चप्पल गंजू की आलात। अबे तेरा हाथ कोई और मोड़ गया, तू गुस्सा किसी और पे उतार रहा? मेरा हाथ किसी ने मोड़ा नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। अजीब आदमी है यार, लोग मोड़ देखते हैं तो हाथ दिखाते हैं, इसने हाथ दिखाया, किसी ने मोड़ दिया मनुष्य। खामोश। चले को आग कहते हैं, भुजे को राग कहते हैं, जिस आग से बना बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं, समझा? भाई साहब आपको कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं? मुझे 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 रिश्ते में तुम, तुम्हारे बाप होते नाम है शहंशाह। अल्लाह माफ करे, बच्चन साहब ऐसे ही कहते हैं कि मेरा डायलॉग है? मेरे खाली 4 ही डायलॉग हिट है, 5वां आया तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारना पड़ा, समझा? एक शब्द मत बोलना, मुझे जिम करने दे। अबे एक बार बता यार, इस जिम में मैंने तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अबे पहले कहाँ देखा, मैं आता ही बाद में हूँ मैं। हाँ, ओके, हो गया, मैं चलता हूँ। अबे रोक, अबे रोक, इधर आ, इधर आ, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जा। उस हाथ में क्या है? क्या? इस हाथ में क्या मनुष्य? तेरा हाथ दिखा, तेरा, ओहो, स्टाइल मारने की आड़ में डंबल चुरा रहा मनुष्य। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिम के हर सेट में से एक डंबल कम कैसे हो रहा है। तू लेके जा रहा, रख डंबल, रख डंबल। डंबल के दिन पैदा हुआ था, डंबल डंबल लेके जाएगा, समझा? शोर मच गया शोर, देखो भागा डंबल चोर। अबे ये सब तो आ गए, लेकिन वो मनुष्य मारा नहीं आ रहा जिसके लिए मैं जिम में आ गया हूँ। कहाँ बे? हाय हुक, हाय हुक, हाय हाय, हाय हुक, हाय हुक। खुदा कसम, अल्लाह किसी को इतनी दौलत ना दे। अर्चना जी देख लो, इतना अमीर नौकर हूँ, इतना अमीर नौकर हूँ कि मैंने अपने लिए एक मालिक रखा हुआ है। ये जिम इतना खाली क्यों है? अबे जिम में तो फिर भी मशीन है मनुष, तू अपना देख, तू कितना खाली है। ओहो माशाल्लाह, क्या होठ है इसके, इतने बड़े होठ है, खुदा कसम बच्चों को झूला झुलाने के काम आते हैं। एक ही ऐसा एक्टर है मनुष, हीरोइन अपने घर पे बैठी होती है और कह रही होती है होठों से छू लो तुम, और ये अपने घर के बैठ के उसको पप्पी दे रहा होता है मनुष। अरे पप्पी की होम डिलीवरी करने वाले मनुष एक्टर। तू ये बोल रहा है कि मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक? खुदा कसम तू ये बोल रहा है कि इस बात के पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ? बकवास बननी की ना, दफा कर दूंगा तुझे यहाँ से। तू मुझे दफा करेगा? हाँ। दफा करेगा? हाँ। तो ठीक है, मैं फिर से एक्टिंग शुरू कर दूंगा। अबे अल्लाह माफ करे, पहले कब करता था बे, जो फिर से करेगा? अब जिम में आए तो कुछ काम वाम कर ले, कुछ वर्कआउट वर्कआउट कर ले, चल एक्सरसाइज कर ले। ठीक है। हाय हो को, हाय हो को, हाय हाय, हाय हो को, हाय हो को, हाय हाय। बंद कर यार, वो करते जाता तू बजाते जा रहा है।
अब मेरी समझ में आया, अल्लाह माफ करे, ये अपने फिल्मों में भी एक्सरसाइज करता था और पैसे डांस के ले रहा था मनुष्य। अबे जिम का मालिक है, कोई जिम्मेदारी वाला काम तो कर। जिम्मेदारी वाला काम? हाँ जिम्मेदारी वाला काम। एक मिनट, शटर डाउन। अल्लाह माफ करे यार, इससे तो बस चलती दुकानें बंद करवा लो। अबे आजा, कहाँ जा रहा है, नंबर क्या अब्बा लेगा? रोहित, क्या ये जिम आप ज्वाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। शकील के साथ तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या बेइज्जती कर दे। ओवरऑल एक्ट बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। क्लाइमैक्स का हाई पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शुरू बहुत अच्छा करते हो, क्लाइमैक्स में नीचे आ जाते हो। वन थिंग वी शुड रिमेंबर कि पब्लिक क्लाइमैक्स लेके ही बाहर आती है। जो लास्ट परफॉर्म किया अपने अन्ना का, वो मुझे लगा थोड़ा सा डाउन हो गया था, अदरवाइज इट वॉज अ नाइस एक्ट। शेखर, बहुत 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 इफेक्टिव, बहुत बढ़िया एक्ट था आप दोनों का। VIP यू स्पेशली, जो आपने खास तौर पे बहुत अच्छे, बंद करो ये नाच। एंड स्वप्निल, आई थिंक यू हैव मास्टर्ड बीइंग शकील। अब उसकी जो थोड़ी बहुत आने की उम्मीद थी, मुझे भी वो रास्ता बंद नजर आता दिख रहा है। वेरी वेरी डिलाइटफुल एक्ट, वेरी इंजॉयबल एक्ट। अर्चना, स्वप्निल, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल है तुम्हारा ऑन दिस स्टेज। आपकी मेहनत और आपकी जो प्रेपरेशन होती है स्वप्निल, और आपका टैलेंट, द कॉम्बिनेशन इज डेडली, एंड दैट इज वॉट इज कीपिंग यू देयर इन दिस कॉम्पिटिशन, एंड आई होप यू रिमेंबर। आइए जानते हैं पूरंस किस को मेरे दो शेरों के लिए। फॉर द पूरंस दिस हिप्पो। नाइस बॉयज। VIP, म्यूजिक निकालो। Nice voice again. क्या बात है, जोरदार ताली हमारे पूरन के लिए। अरे ओ सुरेंद्र, कितने आदमी थे? चार। सिर्फ चार टीम्स बचे हैं अब इस महासंग्राम में। पिछले हफ्ते और आज के स्कोर्स जोड़कर इनमें से कोई एक टीम आज हो जाएगी शहीद। आज हमें पता चलेगा कि कॉमेडी के महासंग्राम की फिनाले की तरफ कौन सी तीन टीम्स जाएंगी, और कल हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम बनेगी क्रिकेट के महासंग्राम IPL की विजेता। कभी कभी अवार्ड जीतने के लिए अवार्ड खरीदने भी पड़ते हैं, हाँ, और अवार्ड खरीद कर जीतने वाले को स्टार कहते हैं। आइए सुनते हैं अवार्ड की कहानी Season 2 के सुमंस, कृष्णा और सुदेश की जुबानी। जोरदार तालियां। मैं ये शो बिल्कुल नहीं करूंगी। ऑर्गेनाइजर ने मुझे पीछे ही पकड़ लिया, कहता है यही होस्ट करो। ऐसी ऐसी हरकतें कि मैंने उसके होश ही उड़ा दिए। अर्चना जी, शेखर जी और रोहित जी, आज आपको सुन के एक बात बहुत खुशी होगी कि इस एपिसोड में मैं अपने डायलॉग बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज मैंने रिस्क निकले लिया, स्क्रिप्ट में साथ में लाई हूं। शुरू करते हैं अपना स्क्रीन अवार्ड्स। सबसे पहले शमा रोशन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट यश खोपड़ा जी को। नहीं नहीं सर, ये सब बाद में, पहले शो शुरू करें। सर सर, शो शुरू हो गया, प्लीज चिंगम फेंको। सर चिंगम के बिना भी ऐसे ही बोलते हो, तो चिंगम काय को वेस्ट किया। क्या समझ रही हो? बड़ा
सर ये ऑर्गेनाइजर है, बड़ा माँ का दिन है सर, इससे मेरी पेमेंट दी जरा गिन दो। पूरे 99,000 ए 1,000 रुपए खा गए। सर अब जिस काम के लिए आए वो करे सर, आइए समय रोशन थोड़ा ऊपर सर। सर अब आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय गणराज्य एक मिनट ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग, सब टाइटल चलाने पड़ेंगे। बोलिए सर ऐसा ही नहीं हो सकता, इधर जज को कभी कभी एक्ट समझ नहीं आते, अगर आप जज बन गए तो कमेंट कभी भी समझ नहीं आएंगे। ये सब टाइटल खत्म हो गए इधर। देखिए अगर आपको गलती से मेरा कोई लफ्ज समझ आ गया हो तो माफी चाहता हूं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ रोहित जी मेरे ख्याल से आपको अपनी कभी लाइफ में कभी भी कोई अवार्ड वेवॉर्ड तो मिला ही होगा ना सर? लेकिन सर मैंने अपनी इंडस्ट्री में इतना काम किया है सर कि मुझे आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आज अवार्ड खुद मेरे पास चल के आएगा। अवार्ड मिल जावे और जिन्हों एक बारी और नचद छड़प करके जो निमाण जे अवार्ड नु तुसी बदनाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय अवार्ड, यू आर सो हैंडसम। सची आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं खुश हो गया हूँ। नहीं तो मैं सोचता था कि शायद मेरी जिंदगी में सारी सुंदर लड़कियां लिखी है। ए, क्या मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? अच्छा आज हमने आपकी बेइज्जती कर दी तो गुस्सा, हर साल आप मेरी बेइज्जती करती हो, वो कौन है? है किसी को भी दे देती हो अरे गहरे को, मुझको उठा के शर्म नहीं आती आपको? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, अगर अगले साल भी अर्जुन रामपाल को मिला ना तो भी हम नहीं देंगे सर। सची? हाँ सची। बस अगर आपने कह दिया ना तो बस झूठ ही होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को तो मैं पीछे देखती हूँ, तू आ पीछे। हेलो आप कहाँ जा रही हो? अगर आप चलेगी तो ये होस्ट कौन करेगा यार? कुमार तू ही होस्ट करेगा अभी। नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, बेसिक रहोगे आप, नहीं जा सकते आप। मेरी एग्जिट लिखी है देख। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये अवार्ड इस शो को होस्ट करेगा, जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। सबसे पहले मैं दावत देने जा रहा हूं फिल्म स्टार, मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान के बहुत बड़े फैन राहुल राय, जोरदार तालियां। दर पे सनम चले आए तेरे दर पे सनम चले आए मैंने अपनी माँ को एक वादा किया था कि माँ एक दिन सारे अवार्ड
मैं ही लेकर आऊंगा। और आज मैंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया, सारे अवार्ड मैं ही लेकर आया हूँ। दुकान से सर डिलीवरी कहाँ देनी है? और ये कैसे काम कर रहे हैं उस्ताद जी आप? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बंबई शहर में मैंने अपना ऑटो रिक्शा भी खरीद लिया है। ओए, ओए, अरे इससे कहते हैं तरक्की। ये अमिताभ बच्चन शाहरुख खान क्या तरक्की की है यार, इतना पैसा कमा के एक भी ऑटो रिक्शा अपना नहीं ले सके। इन लोगों को मैं रोज कहता रहा कि राहुल राय नाम का एक हीरो है ये मानते नहीं। आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक ये मानेंगे नहीं। सर जी जाओ। क्यों? कहते मान गए। आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन कल मैं फिर वापस आऊंगा। क्यों? शो के बाद तेरा बाप कुर्सियां उठाएगा। ओ सर जी। शो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। डांसिंग लड़का कृष्णा, डांसिंग लड़का कृष्णा, जब ये कमीना स्टेज पे आए, कॉमेडी के साथ ये डांस कर जाए। पूर्वी, रश्मि, भारती और अर्चना, सबकी पसंद कृष्णा। हर मैयत के समय याद रखिए कृष्णा डांसर। पेमेंट सिर्फ 300 रुपया और साथ में फ्री कश्मीरा 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 कश्मीरा। इतनी भी फ्री नहीं है वो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम थोड़े बुजुर्गों को भी अवार्ड देंगे, लाइफ टाइम रिटायरमेंट अवार्ड्स। सबसे पहले मैं दावा दे रहा हूं देव साहब को, आज के दावेदार देव साहब, जोरदार तालियां। सॉरी 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 सॉरी, अभी तक तैयार नहीं हुए। हाँ जी हाँ जी, ठीक जगह पहुंचो। ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड का हकदार समझा। नहीं सर जी, बंदा गलत भी हो ही सकता है। देखो मैं तब तक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लूंगा जब तक मैं एक हिट फिल्म नहीं दे देता। लगता है इस जन्म में ये रिटायरमेंट कभी नहीं होंगे। खैर मैं अगले दावेदार को आवाज देता हूं जोरदार ताकियों के साथ। आप समझ गए होंगे जीतू साहब, वो यहाँ आ तो नहीं रहे क्योंकि वो प्रॉब्लम थी, बिजी है सोने में, तो हम बड़ी मुश्किल से उनका एक मैसेज लेके आए हैं। तो जीतू जी मैसेज। नमस्कार। देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज मैंने तोहफा लाया ये सब नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ना खुश हूं। आप तो स्क्रीन में, आपको खुश होना चाहिए क्या? मुझे एक बात बताओ, ये अवार्ड फंक्शन किसने रखा है? हमारे चेयरमैन सुरेंद्र जी ने। अरे ये तो मैन भी ठीक से नहीं है, और इसको चेयर भी नहीं थी बैठने के लिए, थबड़ 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 करता रहता है। एक मिनट सुरेंद्र सर जी, यहाँ बातें करना बहुत आसान है, स्टेज पे आके बात करें तो पता चलता है टांगे कांपती हैं। हमें पता, आज तक जितने भी कलाकार आए हैं वो हमें कह के गए हैं कि स्टेज बड़ी मुश्किल है। मैं खुद इतना मुश्किल काम करता हूँ, आप चले गए ना, और बड़े बड़े डर के चले गए। तो देखो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम कलाकार हैं, हम ऑडियंस को इतना एंटरटेन करते हैं, इतने सालों तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, क्यों किसी की मेहनत को रोकते हो? हाँ सर जी, आज मैं सभी कॉमेडियंस की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपकी नकलें उतारी हैं, लेकिन आपको एक बात कहूँ, आप फिल्मों से ज्यादा मैसी में अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मेरी बात मानो, 2-2.5 घंटे का मैसी रिकॉर्ड करके हर थिएटर में रिलीज कर दो, आप फिर स्टार बन जाएंगे। बकवास बंद कर। रोहित रोहित यार, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ यार। तू जो इन जोड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए गालियां, मेरे मतलब गाड़ियां देता है ना, आज तुझे मैं कुछ देना चाहता हूं। एक मिनट। जाओ जाके दे दो। थैंक यू सर, इसी बहाने में हाथ मिला लूंगा। ए, 150 रुपया ले लेना।
150 रुपया किस बात का? अरे 100 में तो मैंने लिए, 50 का तो मार्जिन रखूं। ऑडियंस, कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्यों? मैसेज ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अर्चना, ये अवार्ड फंक्शन आपको कैसा लगा? आप जब भी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, स्पेशली द फर्स्ट हाफ वॉज एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग। गॉड ब्लेस यू बोथ। लीथल कॉम्बिनेशन, मतलब मैंने कभी स्टेज पे देखा नहीं तो, और जो आप लोगों ने यश जी का किया है यार, सॉरी यश जी। अरे बाट लग जाएगी हमारी बार यार, मत कर। बार कैसे जाएंगे हम? बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, और हर बार यही बोलते हैं जब भी आप लोग स्टेज पे आते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और नयापन था इस एक्ट में, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जो आप लोगों ने किया। इट वॉज अ फैबुलस एक्ट एंड थैंक्स फॉर द ऑटो रिक्शा। It was a completely mad act. आपने देखा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, people were falling all over the place. I had a cut also, मैं तो पहली बार, that just shows that you guys are a cut above the rest. But an amazing act. चलिए अब man math scores भी दे दीजिए। It's a 10 obviously. 10 points, क्या बात है? Archana? From the moment Krishna just entered in that red dress, I had to give only this for your act. 10 points again. शिद्दत से हम हीरोइन बनने का कोशिश किया है कि हर प्रोड्यूसर ने हमको पाने का साजिश किया है, ये तो कोई बात है। अब हम आपको ले चल रहे हैं एक तो भोजपुरी फिल्म की मेकिंग वहां पे, सो प्लीज वेलकम सीजन 3 के सेटिस भोजपुरी एक्ट्रेस भारती, प्रोड्यूसर शरद एंड हीरो कम विलन परेशवा। अरे खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा नाम वाला, आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस। अब तो मालिक आपकी दुआ चाहिए। गांव से आया हूँ, काका का बहुत बड़ा फैन, फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हीरो भी मैं ही बनूंगा। बस साइड हीरो की तलाश है, जब वो साइड से आएगा तब मिल ही जाएगा रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओह गॉश, द फेमस सिंगर रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड टूर, गोइंग टू कोयंबटूर, न्यू कंसर्ट इन सिंगापुर एंड कमिंग सून जौनपुर। बेटे यहाँ लिटिल चैंप्स का ऑडिशन नहीं चल रहा है, चल बाहर निकल मार ले। हे सर, हमारे सर को ऐसा वैसा ना समझिए, ये बहुत बड़े आदमी है। हाँ, 5'2" ये 2.5 इंच। और हाँ, हमारे सर म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह है, और इनका नाम है अन्नू लीकेज। अन्नू लीकेज? हाँ, अरे सर मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ कि मेरे अंग अंग से टैलेंट लीक होता रहता है। सर आप जानते नहीं मेरा बैंड कितना बड़ा है। अबे जब तेरा बैंड इतना बड़ा है तो सिर्फ एक ड्रम लेके क्यों घूम रहा है तू? तेरी ये हिम्मत ही तेरी पर्सनालिटी को चार चांद लगा दी है। ये है इंडियन शकीरा। मैंने एक लेटेस्ट एल्बम बनाया है जिसमें मैंने इसे सानिया मिर्जा बनाया। अबे ये सानिया मिर्जा कैसे बनेगी? ये ले नथनिया और बन जा सानिया मिर्जा।
हम गाते हैं गाना, मन करेला तोरा के हम ले लाई अखबार मा। अब लाए कितना दुबल पानी तोहरे प्यार मा, कजरारी अखियन का कुड़वा पान मारे ला 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 ला, सानिया मिर्जा कटना धनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना धनिया जान मारे ला। सर एक बार आपकी फिल्म में मुझे चांस दे दीजिए सर, आपके बाकी सारे स्टार कास्ट के पैसे बच जाएंगे। देखिए सर, मुझे गाना आता है, नाचना आता है, हंसाना आता है, रुलाना आता है, और सर मेरे पास जो एक टैलेंट है ना, वो आज के किसी भी हीरो के पास नहीं, ये देखिए मेरे सिक्स पैक्स। ये अबे इसे सिक्स पैक नहीं, पेट की झुर्रियां कहते हैं। अगर आदमी छह दिन तक खाना ना खाए तो ऐसी रेखाएं बन जाती है, ये कमजोरी की निशानी है। तू मेरे किसी काम करने चल गया सर। इनके पास ऐसा टैलेंट है जो इन दोनों के पास भी नहीं है। सर इनके पास कहानी है। है? मेरे पास एक फर्स्ट क्लास कहानी है। मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में ले लिया, कहानी बताओ। सर कहानी में एक हीरो है और एक हीरोइन। हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अबे फिल्म मेरी है, हीरो मैं बनूंगा। ठीक है तो मैं बन जाता हूं विलन। हीरो हीरोइन से प्यार करती है लेकिन हीरोइन विलन से प्यार करती है। ये बिल्कुल ठीक हीरोइन नहीं है। क्यों? अरे देखो हीरोइन बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ सर। ये मैं तुम्हें बोल के नहीं बताऊंगा सर। ये मैं गा के बताऊंगा, गा के। चलो जाओ। अरे हीरोइन बनने का खातिर देखा बाड़ू सपना। हीरोइन बनने के खातिर देखा बाड़ू सपना, एक बात मन में बैठा ले तू अपना, बॉडी दिखा भी लागे कपड़ा उतारी बड़े, मैंने कपड़ी तो का मिनी इस कट। जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट, जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट। ये तो बहुत सही आइटम है यार। सर आइटम को छोड़िए और विलन को पकड़िए। हीरोइन विलन से प्यार करती है इसलिए हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो विलन को एक लाफा बजा देता है। और फिर विलन हीरो को लेटा लेटा के मारता है। अबे हीरो के वापस आके नहीं मारेगा? नहीं, उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। तो काम करो। हाँ? तुम हीरो को कमीना दिखा दो, वो अपनी माँ की कसम तोड़ देता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हीरो का बाप विलन के कब्जे में है। यार तो हीरो क्या पूरी फिल्म में कुछ करेगा ही नहीं? नहीं नहीं करेगा ना सर, करेगा। सेकंड सीन, हीरो हीरोइन को उठाने आता है। यस यस, हिम्मत है तो उठा ले। अबे इसे कौन उठाएगा? हाँ घोड़ा, घोड़ा उठाएगा सर। हीरो घोड़े पर आ रहा है, सडनली हीरो को याद आता है कि उसने तो चप्पल ही नहीं पहने। वो घर वापस जाता है। जब हीरो घर से वापस आता है तो देखता है तो हीरोइन विलन के साथ भाग चुकी है। अरे यार फिर मिस हो गई यार। क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? आगे आगे सर सीधा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में विलन की शादी हीरोइन से होती है। फिर क्या? हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो खुन्नस की आग में अपनी गन निकालता है और विलन पर तान देता है और गोली मार देता है। सर आप हीरो हैं, नेते आदमी पे कैसे गोली चलाएंगे? फिर हीरो हीरोइन को और विलन को देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। हृदय परिवर्तन, और वो इन दोनों को आशीर्वाद देता है। अरे यार मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आई, तुम जाओ ऐसे जाओ। एक मिनट सर, फोन आया। हेलो, यू आर टॉकिंग? क्या
मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया सर, थैंक यू। अबे यार, इस कहानी को ऑस्कर कैसे मिल सकता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो उनको भी समझ में नहीं आता है उसी को उन लोग ऑस्कर दे देते हैं। थैंक यू अर्चना, आई थॉट बहुत ही क्यूट एक्ट था, और परेश भारती आपने बहुत बहुत एनर्जी डाली इस एक्ट में। आई जस्ट फेल्ट कि जितनी अच्छी तरह से शुरू हुआ था उतना ये बीच में प्लेटो होकर फिर थोड़ा नीचे आने लगा। आई कांट से इट वाज अ वेरी 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 गुड एक्ट, बट इट वाज एंजॉयबल। शेखर, आप लोगों का एफर्टवा सब जो था वो बहुत अच्छा था, खासतौर पर शरद आपका, भारती आपका डांस तो वाकई, फिर से एक बार ज़रा दिखाई एक बार हमारी खातिर, आय हाय नाचा था वो उसने संभाल लिया पूरे एक्ट को। रोहित, मेहनत की आप तीनों ने, और जो लैंग्वेज यूज़ की, यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज, और फिर भी आप लोगों ने परफॉर्म किया और अपना 100% दिया फॉर श्योर। अब जानते हैं स्कोर्स सटिया के ग्रुप के, 8 points फ्रॉम मी ऑल्सो, इट्स एन 8 points। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है मिस्टर इंडिया ताली हो। जी हाँ, कभी ना दिखने वाले मिस्टर इंडिया आज दिखेंगे। सो प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज, राजीव एज मिस्टर इंडिया, रश्मि एज होवो होवोई, एंड सलोनी एज मोगेम्बो। मेरे दादाजी ने एक गैजेट बनाया है जिसे पहन के वो गायब हो जाते हैं और फिर देश सेवा के लिए घर घर में जाके सेवा करते हैं। दादाजी आप कहाँ हैं? मल्लिका के बाथरूम में। आप गलत मत समझिए, एक्चुअली मल्लिका तो 3-3 दिन नहाती नहीं है, कहीं मेकअप ना उतर जाए, इसलिए उनके बाथरूम में नहाने चले जाते हैं दादाजी। वैसे कुछ नहीं है। दादाजी मत जाइए उधर, लड़की नहीं है वो, मेकअप करके पहलवान बैठा हुआ है, मत करो। गैजेट दे दीजिए, मुझे हवा हवाई को छुड़ाना है मोगैम्बो के अड्डे से प्लीज। दादाजी एक मिनट, दादाजी Mogambo! Oh! Mogambo khush hua! Oh, le, kitni pyali baatein karta hai, kuch kitna pyala bachcha hai na? Dekhiye, ye bachcha nahi hai, pure ka pura aadmi hai! मोगैम्बो खुश हुआ। बॉस, इस पोज में तो कोई भी खुश होगा, छोड़ दीजिए उसको। छोड़? इसका क्या करना है बॉब क्रिस्टो? जो करना था वो तो आपने कर लिया। तू मिस्टर इंडिया को बुला। वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्यों? उसके मुंह पे पिंपल है क्या? वो सामने नहीं आएगा। बुला, वरना मैं बॉब क्रिस्टो को तुझ पर छोड़ दूंगा। हवा का इफेक्ट दो, अब मैं गाना गाऊंगी तो मिस्टर इंडिया जरूर आएगा। वो मिस्टर इंडिया है कि पुरानी फिल्मों का रंजीत? वो ऐसे ही आएगा। भागो! अरे ये तो भाग गया, ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया नजर क्यों नहीं आता? वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही दिखाई देता है। झूठ बोलता है, हम तो वहां पे रोज जाता है, वहां तो हमें दिखाई नहीं दिया। लाल कलर का चश्मा अगर तुम पहनोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा मेरा मिस्टर इंडिया। What the hell is this? 25 रुपए के कलाकार को देखने के लिए 50 रुपए खर्चा करें? No, sorry. छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता, बेचारी मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ बदमाशी मत करो, सीधी तरह से सामने आ जाओ,
वैसे भी पैसे तुम्हें उसी के मिलने हैं जिस सीन्स में तुम दिखाई दोगे। हे मोगेम्बो, पहले मोगेम्बो देखेगा। क्यों है मिस्टर इंडिया? तुम क्यों देखोगे पहले? क्योंकि मैंने 50 रुपए खर्च किया है इसके लिए। हे झका, आ गए मेरे मिस्टर इंडिया। hey, मैं इधर खड़ा हूँ। लो, इधर ही कहीं होंगे मिस्टर इंडिया। यस, मुझे गैजेट मिल गया। मैं गायब हो गया। यस, मैं गायब हो गया। अबे ओए, गैजेट बांधोगे तो गायब होगे। ओके, तुमने वो गैजेट उसे क्यों दे दिया? पता, तुम जब नहीं दिखते हो तो कितना अच्छे से रोमांस करते हो। कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया था। अबे कल रात तो मेरे दादाजी ने गैजेट बांधा हुआ था। अबे ये बुड्ढा मेरा बाप पैदा करके ही मानेगा कि गैजेट ने सबका फायदा किया, मेरी बारी आई तो निकल गया। कैसे सबका फायदा किया? अरे मुझसे पहले अर्चना जी के पास था। लेकिन अर्चना तो शुरू से ही शो में, वो तो कभी गायब नहीं हुई। उन्होंने आप नहीं बांधा ना, पहले जॉनी लीवर के बांधा, फिर सतीश आके, दोनों गायब हो गए। आप दोनों भी ध्यान रखना। मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन मोगेम्बो, तुमने तो वो लिया था गैजेट, तुम फिर भी दिख रहे हो। मैंने 3 चीजों के लिए वो गैजेट रखा है। किन 3 चीजों के लिए? आतंकवाद, महंगाई और तीसरा राम गोपाल वर्मा। आपने तो देश का भला कर दिया, अब उनसे पूछ लो कि हमारा कितना भला हुआ। अर्चना, आई थिंक गुड अटेम्प्ट, बट कुड हैव बीन बेटर। शेखर, इसमें एक नहीं कई मिस्टर इंडिया थे। एक तो मिस्टर इंडिया जो हैं वो एक स्क्रिप्ट मिस्टर इंडिया जो कि गायब नजर ही नहीं आई, जो कोऑर्डिनेशन था वो मिस्टर इंडिया, जो कहानी थी वो मिस्टर इंडिया, तो सभी कुछ मुझे इसमें गायब ही गायब नजर आया। सिर्फ जो थोड़ी बहुत नजर आई वो रश्मि, आई थिंक शी लुक वेरी प्रिटी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और जो उन्होंने वो एक्ट किया श्री देवी वाला, दैट वॉज द ओनली नोटिसेबल पार्ट ऑफ द होल एक्ट। रोहित शेटीज को क्या कहेंगे आप? आप लोगों ने मेहनत की, स्क्रिप्ट ने साथ नहीं दिया, दैट्स ऑल आई कुड से। अब बारी है स्कोर की। 7 points, 7 points अगेन। आज बॉलीवुड स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा दी, लेकिन अब एलिमिनेशन। पिछले हफ्ते के स्कोर्स और आज के स्कोर्स को जोड़कर आज की पहली बॉटम टीम है शेटीज के शरद, परेश और भारती, और हमारी दूसरी बॉटम टीम है, अफसोस, फिर से शेटीज के राजीव, रश्मि और सलोनी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी टीम में से फेस ऑफ के लिए कौन आने वाला है? मैं। राजीव जी आप आएंगे, और आप में से फेस ऑफ के लिए कौन आने वाला है? हर बार की तरह इस बार मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, शरद और परेश जी देख लें किसने आना है। आई थिंक शरद आएगा। ऑल राइट, ओके, शरद आने वाले हैं शेट्टीज की तरफ से, क्या बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं फेस ऑफ की, और शुरुआत करेंगे शेट्टीज के राजीव। जोरदार तालियां राजीव के लिए। फिर डेंजर जोन में। मैं जब पैदा हुआ था तभी से डेंजर जोन में, 7 महीने का पैदा हो गया था, तो इनको लगा कि ये डेंजर जोन परफेक्शनिस्ट है, इसको लाओ। लेकिन अर्चना जी का तो डेंजर जोन में मैं ज़्यादा स्पेशलिस्ट इनको मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे टीम चुनती हैं डेंजर जोन के लिए, ख्याल ही अपनी टीम में रखा हुआ था, इससे बड़ी डेंजर जोन क्या होगी। मुझे हुसन दिया हुआ है, हुसन बानो दी हुई है, और सच्ची बात है ये तो पार्टनर दिए, कहीं ऐसी बीवी मिल जाए ना तो आदमी अपने बाप के साथ लड़ पड़ता है, छोड़ो उसके क्या बात करते मुझसे करो। और अगर बीवी कहीं भारती जैसी हो, आदमी रात को 10 बजे सोचता है यार बैठना ताश खेल, घर जाके क्या करना है। ऐसी खूबसूरत लड़कियां, हसीन लड़कियां, अगर इनको चौकीदार लगा दे तो बेस्ट जॉब, चोरियां होनी नहीं है। पूछो क्यों, आधी आधी रात को मर्द दरवाजे खोले हैं, चौकीदार नहीं नहीं आई। आज तो चौकीदार आवाज लगाता है ना, जागते रहो अंदर, अबे साले हमें जागना, तुझे नौकरी पे क्यों रखा है। और जब इसने आवाज लगानी है, जागते रहो,
ऐसे जागते रहो। अंदर से आवाज आनी है, हम तो जाग रहे, तुझे सोना तो आ जा। अगले दिन शिकायतें कैसी हो रही हैं? सुरिंदर जैसे आदमी उठ के शिकायतें कर रहे हैं, ठाकर साहब ये कोई बात है, इसको नौकरी से बाहर निकालो, ये करेक्टर लेस है। मैं, क्यों? अच्छा जी, तुम्हारे दरवाजे पे 4 सीटियां, हमारे दरवाजे पे 1। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फेस ऑफ में अब अगले आ रहे हैं शेटीज के शरद, जोरदार तालियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। बात पता है क्या है सर जी, मुझसे जब ये लोग पूछने आए आप करेंगे, उन्होंने कहा कि सर्कस करना है। मैंने कहा इतना तो मुझे आता ही है तो मैं कर ही लूंगा। बाद में पता चला कि कॉमेडी भी करनी है, वो तो मुझे आती नहीं है। और वैसे भी अगर मैं यहां फंसा हूं तो इसका रीजन है भारती, क्योंकि शेखर जी भारती को देख के ये नंबर काट देते हैं। मैं समझता हूं कि आदमी जो किया है बहुत ही समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि मैंने फिर से गौर से देखा लेकिन फिर से मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि अर्चना जी मुझे पिंच कर देती हैं बाजू से। इतना मत समझो, मैंने समझ लिया है कि इनको 8 नंबर देने। अब चूंकि मैं आ गया हूं यहां पर तो टाइम वेस्ट ना करके कुछ दिखाता हूं जो मुझे मौका नहीं मिला है। गाना है पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। अगर ये गाना SP बाला सुब्रमण्यम जी गाएं तो कैसे गाएंगे? क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात बता दे तू मुझको क्यों रब से तू नहीं डरती है। क्या रखा है पैसे में पैसे की लगा तू ढेरी। मैं बारिश कर तू पैसे की जो तू हो जाए मेरी। थैंक यू। अब बारी है स्कोर्स अनाउंस करने की, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारी दोनों ही बॉटम टीम्स यहां पे आ जाए। सबसे पहले शरद, रोहित ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स, अर्चना ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स और शेखर ने आपको दिए हैं 7 पॉइंट्स, यानी आपका टोटल स्कोर हुआ 22। राजीव, आपको रोहित ने दिए हैं 8 पॉइंट्स, शेखर ने दिए हैं 8 पॉइंट्स और अर्चना ने दिए हैं 9 पॉइंट्स, यानी आपका स्कोर हुआ 25। कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। अफसोस शरद, परेश और भारती, आज आप हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉमेडी एक ऐसा पहलू था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, करने का मौका मिला, इतने अच्छे पार्टनर्स मिले। थैंक यू सो मच कॉमेडी सर्कस, थैंक यू सो मच सोनी टीवी। जब मुझे ये शो ऑफर किया गया तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरा जो थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस है वो शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा शार्पन करने मिलेगा, मेरी एक्टिंग स्किल जो भी हैं। लेकिन सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी मैंने यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे पार्टनर्स से, बाकी सब कंटेस्टेंट्स से और आप लोगों से, और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स लॉट। बहुत मज़ा आया, एक फैमिली की तरह मैंने यहाँ पे काम किया और जोड़ी तो अलग ही थी, मैं मोटी, ये छोटे, ये लंबे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और थैंक्स राइटर का कहूँगी, सुरिंदर बाजी थैंक यू, रोहित जी मिस यू। थैंक यू गाइस, यू बीन वंडरफुल एंड वील डेफिनेटली मिस यू। महासंग्राम में अब बची है सिर्फ 3 जोड़ियां और अब यहां से ये जंग होने वाली है कई गुना ज्यादा मुश्किल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और ऐसे ही हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे, ओनली ऑन हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम।